चार लीटर में हम 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2.4 ग्राम इसमें पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड डालेंगे। इसको हम घोल लिए, घोलने के बाद देखिए इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको चला दीजिए। इसके बाद इसका कच्चे आम का एसेंस आता है और ये हम थोड़ा सा इसमें ग्रीन मैंगो एसेंस डाल दिए हैं। अब देखिए इसमें पूरा पीने के योग्य हो गया, हमारा ये स्क्वैश तैयार हो गया। इसको अब हम बोटलिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये स्क्वैश तैयार हो गया है, इस पर ढक्कन लगा के सील बंद कर देंगे। ये हमारा 1 साल तक के लिए स्क्वैश एकदम सुरक्षित रह जाएगा और इसको यदि ये पैक रहेगा तो हमारा ये 1 वर्ष तक स्क्वैश ख़राब नहीं होगा। और यदि आप इसको खोल लेते हैं तो 15-20 दिन के अंदर इसको उपयोग कर लीजिए। कैसे उपयोग करना है ये भी आप जान लें। जैसे मान लीजिए ये 700 ml है तो इसका 3 गुना, मान लीजिए हम 1 गिलास स्क्वैश लेते हैं उसमें 3 गिलास पानी मिलाइए और उसको मिलाने के बाद और उसको पी सकते हैं। ये हमारा स्क्वैश तैयार हो गया है।